नमस्कार, मैं बंसीलाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के इस वीडियो में राजनीतिक विकास पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक विकास का अर्थ, राजनीतिक विकास क्या होता है, राजनीतिक विकास के लक्षण आदि टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक विकास की संकल्पना का सूत्रपात अमेरिकी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 1960 से शुरू होने वाले दशक में हुआ। इसका उद्देश्य तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना था, ताकि तुलनात्मक राजनीति को विश्वजनीन आधार प्रदान किया जा सके। राजनीतिक विकास का अर्थ, राजनीतिक विकास के अर्थ को लेकर विद्वानों में गंभीर मतभेद है। कुछ विचारक राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में समझा है, तो कुछ ने इसको औद्योगिक समाज की विशेष राजनीति बताया है, तो कुछ इसे और राजनीतिक आधुनिकीकरण को पर्याय मानते हैं। राजनीतिक विकास के संबंध में यह मतभेद विद्वानों द्वारा इसकी अलग अलग व्यवस्था करने के कारण है। सरल शब्दों में राजनीतिक विकास को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है, जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्य क्षमता तथा उसकी उपव्यवस्थाओं में स्वायत्तता आ जाए। विभिन्न विचारकों ने राजनीतिक विकास के भिन्न भिन्न प्रतिरूप प्रस्तुत किए हैं। इसमें दो प्रतिरूप महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहला प्रतिरूप ल्यूसियन पाई व कोलमैन ने विकसित किया तथा दूसरा प्रतिरूप आमंड व पावेल ने। ल्यूसियन पाई उन अमेरिकी लेखकों में थे जिसने इस संकल्पना का विकास किया। उसने राजनीतिक विकास व आधुनिकीकरण को मिला लिया। उसने 1963 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के विचार का सूत्रपात किया। इसमें इसकी परिभाषा इस प्रकार दी, राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। उसने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास है। उसके अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण तीन स्तरों, समग्र जनसंख्या के संदर्भ में शासन तथा सामान्य व्यवस्था बद्ध कार्य निष्पादन के संदर्भ में तथा राज्य की सेवा शासन व्यवस्था के गठन के संदर्भ में पर खोजे जा सकते हैं। पाई ने राजनीतिक विकास की तीन विशेषताएं बताई। पहली विशेषता समानता,
इसका अर्थ है बिना किसी भेदभाव के देश की राजनीतिक प्रक्रिया में सभी लोगों व समूहों को भाग लेने का अधिकार। दूसरी विशेषता क्षमता, इसका अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण से आने वाली मांगों या आगतों को निर्गतों में बदलकर लागू करवाने से है। और तीसरी विशेषता है विभेदीकरण, राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न और विशिष्ट संरचनाओं का विकास और साथ ही उसमें भाग लेने वाली संस्थाओं और संगठनों में परस्पर संयोजन करवाया जाना। राजनीतिक विकास का दूसरा प्रतिरूप आमंड और पावेल की देन है। उन्होंने अपनी पुस्तक कंपरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 के राजनीतिक विकास के तीन लक्षणों की पहचान की। पहला, संरचनात्मक विभेदीकरण, समाज के भीतर राजनीति की अनौपचारिक संरचनाओं का पृथक पृथक रूप से विकास ताकि वे जनसाधारण की मांगों, विचारों, मान्यताओं और अधिमान्यताओं को निश्चित रूप और आकार देकर राजनीतिक प्रणाली के भीतर पहुंचा सकें और सरकार को आधारिक निर्णय तैयार करने के लिए आधार सामग्री प्रदान कर सकें। दूसरा लक्षण, संस्कृति का तर्कोन्मुखीकरण, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी राजनीतिक कार्यवाही में उत्तरोत्तर अधिक तर्कसंगत, विश्लेषणात्मक और अनुभवमूलक दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं। संस्कृति का तर्कोन्मुखीकरण वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास के संबंध को रेखांकित करता है। तीसरी विशेषता, राजनीतिक प्रणाली की कार्य क्षमताओं का विस्तार। आमंड ने चार प्रकार की कार्य क्षमताएं बताई हैं, विनिमय क्षमता, दोहन क्षमता, वितरण क्षमता, प्रत्युत्तर क्षमता। राजनीतिक विकास की मांग यह है कि राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत एक ओर विनिमय क्षमता और दोहन क्षमता तथा दूसरी ओर वितरण क्षमता और प्रत्युत्तर क्षमता में संतुलन कायम रखा जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। राजनीतिक विकास के बारे में शेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।